नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। ये नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड के जसपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। प्रदेश के सरकारी स्कूलों का भी होगा निजी स्कूलों की तरह प्रचार प्रसार। पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए इंदौर के नेहरू स्टेडियम को रंगरोगन किया जा रहा है। इंदौर के राजकुमार मिल सब्जी मंडी से स्थानांतरित करने की मांग अब भी जारी है। देवरीकला के गोरझामर में भीषण सड़क हादसा। खातेगांव क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने सड़क किनारे ही दिया बच्चे को जन्म। महिला को बदनाम करने की नीयत से पूर्व पति ने बनाई अश्लील फेसबुक आईडी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर उत्तराखंड के जसपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जसपुर के सुभाष चौक से शुरू होकर कोतवाली रोड ठाकुर मंदिर होकर पहुंची, जहां मिठाई बांटकर रैली का समापन किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफल 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा ये रैली निकाली गई है, जागरूकता रैली, और जनता के बीच में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं उनको प्रचार प्रसार करने के लिए और युवा शक्ति में जोश भरने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। जसपुर से बाइक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कोतवाली रोड होते हुए मुख्य बाजार ठाकुर मंदिर की तरफ से सब्जी मंडी चौक और उसके बाद सुभाष चौक पर इस रैली का समापन किया। अब सरकारी स्कूलों को अपनी पीठ थपथपाने की बारी आ ही गई। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी स्कूलों को सुविधा और शासन की योजनाओं की जानकारी देने को कहा है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को परिपत्र जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि स्कूल की सूचना पटल पर सुविधाओं और शासन की योजनाओं की जानकारी लिख दी जाए। सरकार का मानना है कि इस आदेश के चलते पालक तक सभी जानकारियां सही पहुंचेगी और पालक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाएंगे। इंदौर के नेहरू स्टेडियम को रंगरोगन कर सुसज्जित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा के मद्देनजर स्टेडियम की यह तैयारियां जोरों शोरों पर है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही आसपास के अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम के इंदौर आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि पीएम का आगमन होता है तो वह इंदौर को स्वच्छ सर्वे में नंबर 1 बनने पर पुरस्कृत करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी भी उन्हें प्रदान की जाएगी। इंदौर के राजकुमार मिल सब्जी मंडी से व्यवसायियों को स्थानांतरित करने की मांग अब भी जारी है, जिसके लिए प्रशासन सर्वेक्षण कर रहा है। आईडीए ने जिला प्रशासन से निरंजनपुर और केलोदा गांव के पास जमीन की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इस जमीन पर नगर निगम भी गरीबों के लिए मकान बनाने का दावा कर रहा है। हालांकि जमीन के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी ने पुल से खाई में छलांग लगाई और देखते ही देखते गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, किंतु कार में सवार लोगों को मामूली चोट आई। देवरीकला के गोरझामर क्षेत्र में स्थित सुनार नदी के पुल से गुजरते समय संतुलन बिगड़ने के कारण एक कार खाई में जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए, लेकिन वाहन में सवार 4 लोगों को बस मामूली चोटें ही आई। प्रदेश में खातेगांव क्षेत्र में एक गांव में महिला का प्रसव रास्ते में ही करवाना पड़ा। दरअसल रास्ता एक पुल पर निर्भर था और नाले पर बने सेतु का पेचवर्क चल रहा था। पहली बारिश से तूफान आने के कारण रास्ता बंद हो गया और सड़क किनारे महिला ने बच्चे को जन्म दिया। ग्राम दाउठा से हरिजन महिला शमाबाई को प्रसव के लिए खातेगांव अस्पताल ले जाया जा रहा था कि बागदा मार्ग पर बन रहे मुख्यमंत्री सड़क में पिछले 2 माह से पुलिया का कार्य धीमी गति से चलने के कारण पिछले दिनों हुई बारिश से नाला उफान पर आ गया और मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण महिला की डिलीवरी सड़क किनारे ही करवानी पड़ी। हालांकि इस प्रसव के बाद माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बाद में महिला को खातेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया।
अपनी पूर्व पत्नी द्वारा दूसरी शादी करने से नाराज होकर एक युवक ने उसकी अश्लील नाम से एक फेसबुक आईडी बना दी और उसके फोटोज अपलोड कर दिए। रिश्तेदारों में उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसे धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। उज्जैन साइबर सेल की टीम ने जिले के उन्हेल गांव में रहने वाली महिला की शिकायत पर ग्राम डेंडिया के रहने वाले शंकर सिंह आंजना को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फेसबुक पर अश्लील आईडी बनाकर उसके फोटो अपलोड किए और रिश्तेदारों में महिला को बदनाम करने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उज्जैन जिले में रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके फ़ोटो यूज़ किए गए हैं और अश्लील नाम से एक फ़र्जी फेसबुक आईडी बनाई है और उस फेसबुक आईडी के द्वारा उसके पति और अन्य रिश्तेदारों को मैसेजेस किए जा रहे हैं, जिस पर जांच में ये पाया गया है कि शंकर सिंह पिता अंतर सिंह आजना जो कि ग्राम डेंडिया के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये फर्जी आईडी बनाई गई थी और अश्लील आईडी का नाम देकर लोगों को मैसेजेस किए जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।